हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग आई होप यू विल बी फाइन टुडे आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर टू प्लांट लाइफ ऑफ क्लास थर्ड सेकेंड पार्ट दिस इज़ द लास्ट पार्ट देखो मैंने आपको जो पार्ट फर्स्ट था उसमें बताया था कि जो पार्ट्स प्लांट के पार्ट्स होते हैं जैसे लीव्स ब्रांचेस रूट इन सब के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो लीफ होती है उसके कितने पार्ट्स होते हैं इस्टोमेटा कहाँ पर प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेसिस प्लांट में कौन से पार्ट में होता है तो वो लीव्स में होता है फोटोसिंथेसिस क्योंकि वहाँ पे ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल तो यहाँ पर अब हम जो लास्ट पार्ट में सेकेंड पार्ट में इसमें पढ़ेंगे तो वो है फ़्लावर्स एंड फ्रूट के बारे में कि प्लांट का ये भी एक पार्ट है फ़्लावर्स भी और फ्रूट्स भी वैन अ प्लांट रिसीव द प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर न्यूट्रेंट एयर एंड सनलाइट देखो जब प्लांट को प्रॉपर वाटर न्यूट्रेंट सनलाइट वगैरह मिल जाती है इट प्रोड्यूस फ्लावर तो उस फिर उस प्लांट के ऊपर क्या आने शुरू हो जाते हैं फ्लावर्स देखिए ये क्या है जैसे कि एक प्रॉपर जो प्लांट है वो ग्रो हो चुका है तो फिर उसके बाद उसमें क्या आ जाएंगे फ्लावर्स आएंगे लीव फ्लावर्स वो तो फ्लावर्स आएंगे उसके बाद द फ्लावर्स यूजली ग्रो ऑन द स्टेम देखो जो फ्लावर्स होते हैं वो कहाँ पर ग्रो होते हैं स्टेम में देखो जैसे कि ये है ये फिर क्या है यहाँ पे फ्लावर्स जो है वो ग्रो हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है स्टेम में नेक्स्ट देखिए द बटरफ्लाई एंड इंसेक्ट आर अटैच टू फ्लावर बिकॉज ऑफ देयर ब्राइट कलर एंड स्वीट स्मेल देखो जो बटरफ्लाइज़ होती हैं और इंसेक्ट्स वगैरह हैं जैसे कि हनी भी ये सब ये क्या करती हैं जो फ्लावर का जो कलर होता है ब्राइट कलर होता है जैसे रोज़ का रेड कलर है किसी का पिंक कलर होता है वाइट कलर होता है तो वो अपनी साइड अट्रैक्ट करती हैं कौन फ्लावर क्योंकि जो फ्लावर का कलर होता है इतना प्यारा होता है तो वो बटरफ्लाई को इंसेक्ट्स को तो है ही वो एनिमल्स और ह्यूमन बींग को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है लेकिन मोस्टली जो बटरफ्लाइज है और इंसेक्ट्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं किस लिए एक तो कलर के लिए और उसके साथ साथ उनकी जो स्मेल होती है वो काफ़ी स्वीट होती है ठीक है अब नेक्स्ट देखिए दे आर डिफरेंट शेप साइज़ एंड कलर जो फ्लावर का जो देखो हर एक फ्लावर का जो शेप होता है जैसे रोज़ का फ्लावर का जो शेप है वो अलग होता है लोटस uh, का जो फ्लावर होता है उसका शेप अलग होता है कलर भी डिफरेंट होता है और साइज़ भी डिफरेंट होता है हर एक फ्लावर का या फिर लीव्स का ऊपर हमने पढ़ा है लीव्स का भी जो शेप और कलर और जो साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है फ़्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स आर ऑल्सो एडिबल देखो ऐसे बहुत सारे फ्लावर होते हैं जो हमारे लिए एडिबल होते हैं जिनको हम खा सकते हैं रॉ भी और कुक uh, करके भी रॉ किसको बोलते हैं जो अगर कच्चा खा जाते हैं हम और किसी चीज़ को पका के खा जाना ठीक है तो ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स हैं कुछ फ्लावर हैं प्लांट के जो एडिबल होते हैं जिनको हम खा पाते हैं जैसे कॉलीफ्लावर जो गोभी होती है फूल गोभी फूल गोभी होती है वो कॉलीफ्लावर इज़ वन सच फ्लावर देखो हम जो गोभी होती है उसको खाते हैं तो वो क्या है वो एक फ्लावर है क्योंकि कॉलीफ्लावर ठीक है जिसको फूल गोभी बोलते हैं तो वो क्या है फ्लावर है लेकिन वो हमारे लिए क्या है एडिबल है सम फ्लावर्स ग्रो इनटू टू रूट्स कुछ जो फ्लावर होते हैं वो किस में फिर कन्वर्ट होते हैं फ्रूट्स में सॉरी मैंने आई थिंक रूट बोल दिया तो सम फ्लावर्स ग्रो इनटू टू फ्रूट्स जो फ्लावर्स होते हैं वो फिर किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रूट्स में द फ्लावर्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन और जो फ्लावर्स होते हैं वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन का मतलब है कि सीड वगैरह प्रोड्यूस करना फिर उस सीड को अगर हम ज़मीन में लगाते तो उससे दूसरा प्लांट जो है वो ग्रो हो जाता है मतलब अपने ही जैसे को प्रोड्यूस करना इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन वन द फ्लावर डाई एंड फॉल ऑफ इट लीव्स बिहाइंड अ फ्रूट देखो जब फ्लावर्स जो है वो फॉल ऑफ हो जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रूट्स में फ्रूट्स दैट वी ईट लाइक ऐपल औरेंज वाटरमिलन एंड टमेटोज कंटेन सीड देखो ऐसे जो आपको एग्जाम्पल दिए एप्पल औरेंज वाटरमिलन टमेटोज इनके अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं फ्रूट्स प्रोटेक्ट द सीड देखो जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर ही तो होता है तो सीड को कौन प्रोटेक्ट करके रखता है कौन बचा के रखता है फ्रूट देखो जैसे कि आप मैंगो का एक एग्ज़ाम्पल दे, दे लीजिए जो मैंगो का सीड होता है वो अंदर होगा ठीक है और जो मैंगो का जो फ्रूट है वो बाहर होगा तो इस सीड को किसने प्रोटेक्ट किया हुआ है मैंगो के फ्रूट मतलब फ्रूट ने प्रोटेक्ट किया हुआ है ठीक है नेक्स्ट देखिए अब सीड के बारे में द सीड इज़ द पार्ट दैट ग्रो इंटू अ न्यू प्लान देखो जो सीड होता है अगर हम उसको बो दे जमीन के अंदर लगा दें तो उससे न्यू प्लान ग्रो हो जाता है इफ़ वी प्लांट अ बीन सीड वी विल गेट अ प्लान जस्ट लाइक द वन दैट मेड द सीड सीड्स ऑल्सो स्टोर द फूड फॉर अ बेबी प्लांट देखो जो सीड होता है अगर हम किसी सीड को ज़मीन में लगा दें तो उससे जो दूसरा प्लांट है बिल्कुल उसके ही जैसा वो ग्रो हो जाएगा फिर क्या है देखो जो सीड होता है उसके अंदर फूड स्टोर होता है जैसे कि आपने अगर देखा होगा सीड को आप मैंगो का जो सीड है उसको ओपन करके देखना तो उसमें क्या होगा एक बेबी सा प्लांट ग्रो होगा लाइक दिस जैसे कि लीव्स वगैरह सी इस तरीके का होता है ठीक है वो क्या करता है जो सीड होती है वो उस बेबी प्लांट के लिए स्टोर करके रखता है फूड जिससे कि वो बेबी प्लांट जो है ग्रो हो जाए देखना नेक्स्ट वैन द सीड गेट इनफ एयर वाटर एंड वॉम द बेबी प्लांट स्टार्ट ग्रो देखो जब सीड को प्रॉपर एयर वाटर वो सब मिल जाता है तो फिर जो बेबी प्लांट होता है वो ग्रो होना शुरू हो जाता है तो देखिए द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रो इन टू अ टीनी प्लांट इस कॉल जर्मिनेशन जर्मिनेशन ही हम किसको बोलते हैं जमने को कि जो सीड है उसको जब प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स एयर वाटर वो सब मिलता रहेगा और जो बेबी प्लांट है वो ग्रो होना शुरू हो जाएगा तो उसको बोलते हैं जर्मिनेशन के बीज जब जमने शुरू हो जाते हैं आपने देखा होगा जब बीज कोई जमना शुरू हो जाता है तो उसमें से छोटा सा प्लांट निकलना शुरू हो जाता है तो तब हम बोलते हैं कि जम गया है बीज तो उसी वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं जर्मिनेशन सीड लाइक कॉर्न राइस बीन एंड ग्राम आर एडिबल लेमन, ऑरेंज एंड चेरी आर इन देखो जो हमारे लिए खाने के लिए यूजफुल हैं ठीक है थीके? उसको क्या बोलते हैं एडिबल जैसे कि चावल है गेहूँ है ठीक है ग्राम, दालें वगैरह वो सब हैं राजमा वगैरह तो वो हमारे लिए क्या है एडिबल हैं हम उनको खा सकते हैं लेकिन ऐसे बहुत सारे सीड होते हैं जो हमारे लिए इनएडिबल है जिनको हम नहीं खा पाएंगे जैसे कि लेमन का जो नींबू होता है उसका जो बीज होता है उसको नहीं खा सकते औरेंज का जो बीज है इन सबको नहीं खा सकते तो जो जिन सीड को हम नहीं खा पाएंगे वो है इनएडिबल और जिन सीड को हम खा पाएंगे वो होती है एडिबल तो देखो मैंने आपको बुक वर्क भी से किया हुआ ये लेकिन आप खुद से ट्राई करना बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर फाइंड करने की वैसे मैं आपको सेंड कर दूँगी That's all for today.